सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने 31 अगस्त तक इंटरनेशनल फ्लाइट को बैन कर दिया है। तो ये न्यूज़ आई है आज, पर मैं आपको जो है 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बना करके बताया था कि मुझे नहीं लगता कि इस महीने यानी अगस्त के महीने में इंडिया जो है नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट चला पाएगा। वो मैंने इसलिए आपको कहा था क्योंकि इस न्यूज़ के आने से पहले इंडियन गवर्नमेंट की जो है ट्विटर अकाउंट है, इंडियन एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट है, उस पर जो है न्यूज़ आई थी कि इंडिया वंदे भारत मिशन फेज 5 शुरू करने वाला है, वो भी 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। तो इसलिए जो है मुझे लग रहा था कि अगर इंडिया नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने वाला है तो यानी वंदे भारत मिशन फेज 5 की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस महीने यानी अगस्त के महीने में नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट चलना नामुमकिन सा है। देखिए वही न्यूज़ जो है आज आई है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। NI जो ट्विटर अकाउंट है, उनकी ऑथेंटिक जो ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पे न्यूज़ आई है। तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स टू रिमेन सस्पेंडेड टिल 31 अगस्त, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो बोला था वो ये बोला था कि 31 जुलाई तक जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइटों को बैन कर रहे हैं, पर अब जो है उन्होंने रिमेन और सस्पेंडेड यानी और जो है उसको बढ़ा दिया है और सस्पेंड कर दिया है 31 अगस्त तक। यानी कि अब आपको जो है 1 महीने का इंतज़ार करना होगा इंटरनेशनल नॉर्मल फ्लाइट का। और जो है खबर आई है दूसरी जगह, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खबर है यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स पर है, इंडिया का अखबार है, वहाँ पर भी देखिए उन्होंने यही लिखा है, इंडिया एक्सटेंड्स बैन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट टिल अगस्त 31। यहाँ पर मैंने पूरी न्यूज़ पढ़ी थी इसकी, तो उन्होंने जो इसमें बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से जो है कोरोना वायरस फैल रहा है और बहुत जो है पेशेंट जो है वहाँ पे बढ़ रहे हैं हर दिन, इस वजह से जो है इंटरनेशनल फ्लाइट को जो है सस्पेंड कर दिया है 31 अगस्त तक। तो देखिए मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं नॉर्मल फ्लाइट का खुलने का, तो आपको और 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर मैं भी इसमें श्योर नहीं हूँ कि 1 महीने के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट चलाएगी। तो अगर चलो न्यूज़ की अगर हम मानते हैं तो 1 महीने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पर मेरी राय आपके लिए यह है, अगर आप जाना चाहते हैं वाकई में सऊदी अरब से इंडिया छुट्टी जाना चाहते हैं या फाइनल एग्जिट लगा है आपका, आप जाना चाहते हैं इंडिया, तो सबसे पहले आप जो है वंदे भारत मिशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लें अपना। और वो किस तरह से करना है, बहुत आसान तरीका है, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके अपने मोबाइल से ही वहाँ पे उसको कर सकते हैं। अगर आप अपना वंदे भारत मिशन जो चल रहा है अभी, अगर उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हो सकता है, चांस है कि आप जो है जल्दी जा सकते हैं इंडिया। क्योंकि हरदीप सिंह पुरी जो है, मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने बताया अपने जो है लेक्चर में कि वो और फ्लाइट्स को जो है बढ़ाएंगे, यानी अभी जो वंदे भारत मिशन फेज 5 शुरू हो रहा है इसमें भी बहुत सारी फ्लाइट हैं, और उन्होंने बताया है कि वो और फ्लाइट जो है इसमें ऐड करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा वंदे भारत मिशन में, तो हो सकता है आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाए और आप चले जाएँ, या बहुत सारी जो है अपडेट अभी आ रही है कि डायरेक्ट आप ऑफिस से टिकट खरीद सकते हैं अगर आपका वंदे भारत मिशन के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसके अलावा जो है चार्टर फ्लाइट भी जा रही हैं सऊदी अरब से इंडिया के लिए, तो आप जो है चार्टर फ्लाइट से भी जा सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग जो है मालूम कर रहे थे कि जो लोग अभी वंदे भारत मिशन के तहत जो इंडिया जा रहे हैं, क्या उनको क्वारंटीन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो देखिए उस यहाँ पर जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है, दिल्ली लेटेस्ट क्वारंटीन रेगुलेशन एज ऑफ 30 जुलाई 2020 फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, हेयर इज ऑल यू नीड टू नो। देखिए यहाँ पर जो क्वारंटीन के बारे में उन्होंने बताया है, चाहे वो डोमेस्टिक जो है ट्रेवलर हो या इंटरनेशनल फ्लाइट से वो जा रहे हों, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कोविड टेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कोरोना वायरस का टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है आपको, आपका जो है थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, वो चेक करेंगे आपका टेम्परेचर, और उसके अलावा जो है अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हैं यानी वंदे भारत मिशन के तहत आप इंडिया जा रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आपको जो है 7 दिन के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी आप रह सकते हैं क्वारंटीन में, और अगर आप जो है पैसा देना पे करना चाहते हैं वहाँ पर, तो आपको पे करना पड़ेगा और आपको होटल में वो क्वारंटीन कर देंगे, उसका आपको चार्ज देना होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि आप जो है चार्ज दें, अगर आप फ्री में रहना चाहते हैं तो गवर्नमेंट फैसिलिटी के तहत तो आप जो है फ्री में भी रह सकते हैं वहाँ पर। यह है कि अगर आप जो है चार्ज यानी देंगे
तो आपको जो है अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी वहाँ पर। और दूसरी चीज़, 7 दिन का जो है आपको क्वारंटीन किया जाएगा होटल में, और 7 दिन का जो है आपको क्वारंटीन किया जाएगा घर पे। यानी 7 दिन आप जो है दिल्ली में रहेंगे, जहाँ पर अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो जहाँ पर भी वो रखेंगे आपको क्वारंटीन करेंगे, और जब आप 7 दिन के बाद घर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अपने घर पे 7 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। और डोमेस्टिक ट्रेवलर पैसेंजर जो हैं, यानी जो इंडिया में सफ़र कर रहे हैं, उनको 7 दिन का क्वारंटीन है, यानी वो अपने घर पे ही रहेंगे, होम क्वारंटीन है 7 दिन के लिए। और दूसरी बात जो इसमें यहाँ पर है वो ये है, जैसे आप जो है इंडिया एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहाँ पर अगर आपके अंदर कोई सिम्टम्स दिखते हैं कोरोना वायरस के, तो आपको तुरंत वहाँ से आपका लगेज और आपको भी ले जाएंगे मेडिकल रूम में, और वहाँ आपका जो है वो चेकअप होगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने यहाँ पर बताई है, एयरपोर्ट स्टेट्स ऑब्लिगेशन थर्मल स्क्रीनिंग विल बी डन फॉर ऑल पैसेंजर्स अपॉन अराइवल। तो जो भी पैसेंजर जो है एयरपोर्ट पर उतरेंगे उन सभी का थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।